गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को स्टडी किया था और आज हम सैलरी एंड कमीशन का ट्रीटमेंट देखेंगे। सैलरी एंड कमीशन, ये सैलरी जो होती है वो एक्टिव पार्टनर को बेसिकली पे की जाती है। कई बार फर्म में मान लीजिए जैसे चार पार्टनर हैं, उन चार पार्टनर में से एक पार्टनर एक्टिव है, मतलब वो एक ही काम कर रहा है, बाकी तीन पार्टनर जो हैं इनएक्टिव हैं, उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो कई बार वो एक्टिव पार्टनर डिमांड करता है सैलरी के लिए और सारे पार्टनर अगर उसके लिए एग्री होते हैं तो उस एक्टिव पार्टनर को हम सैलरी भी देते हैं। अगर सारे पार्टनर एग्री नहीं है तो उसको सैलरी नहीं दी जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन है सैलरी के लिए तो सैलरी पे होगी पार्टनर को, अगर मेंशन नहीं है तो सैलरी पे नहीं होगी। सैलरी दो तरीके से दे रखी होती है, एक तो दे रखी होती है पर एनम या जिसको हम पर एनुअली भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में होता है पीए। इसका मतलब होता है कि ये टोटल सैलरी दे रखी है, एनुअल सैलरी। फॉर एग्जाम्पल 25,000 पर एनुअल, 25,000 पर एनम या 25,000 P.A, तो वहां पर हमें किसी से इंटू करने की जरूरत नहीं क्योंकि सैलरी जो दे रखी है वो एनुअल सैलरी दे रखी है। अगर वहां पर मंथ दे रखा है या फिर P.M करके डिनोट किया गया है उस वर्ड को, तो जो भी अमाउंट होगा इनटू नंबर ऑफ मंथ, वैसे नंबर ऑफ मंथ 12 होते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर कोई बिजनेस बीच में स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल सितंबर में, अक्टूबर में, जनवरी में, जून में कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ है, बीच में से स्टार्ट हुआ है, तो वहां से हम 31 मार्च तक के महीने काउंट करेंगे और फिर अमाउंट इनटू नंबर ऑफ मंथ करेंगे। लेकिन अगर 1 अप्रैल को है या कोई रनिंग बिजनेस है तो वहां पर 12 मंथ से इंटू करेंगे। कमीशन जो है उसके दो फॉर्मूले हैं, एक होता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। इस केस में कमीशन को चार्ज नहीं मानते, वो कमीशन को मतलब प्रॉफिट पे करने से पहले, प्रॉफिट में से कमीशन चार्ज करने से पहले हमको कमीशन देना है। तो वहां पर जो है फॉर्मूला होता होता नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, ये बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला है, बिफोर चार्जिंग कमीशन ना। दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, क्योंकि हम यहाँ ये मानते हैं कि नेट प्रॉफिट में से कमीशन चार्ज हो चुका है ऑलरेडी, चार्ज होकर मतलब कितना क्या। तो अगर आफ्टर चार्जिंग का केस दे रखा है तो हमें रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगाना है, और बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला दे रखा है तो हमें रेट अपॉन 100 यूज करना है। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है कि बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग है तो हम उसको बिफोर चार्जिंग भी मानेंगे, लेकिन अगर क्लियरली मेंशन है कि बिफोर चार्जिंग तो बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग तो आफ्टर चार्जिंग। मेरे कहने का मतलब यह है कि बिफोर चार्जिंग के लिए हो सकता है एक बार इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो, लेकिन जब कभी भी आफ्टर चार्जिंग होगा उसके लिए हमेशा इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, हमें ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना होगा। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां दे रखा है ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1 इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,10,000, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन। अब यहां पर यह मेंशन नहीं किया गया कि ये जो प्रॉफिट है, ये जो कमीशन है वो बिफोर चार्जिंग है आफ्टर चार्जिंग है, तो हम इसको बिफोर चार्जिंग मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, कमीशन टू आई। देखिए नेट प्रॉफिट दे रखा था 1,10,000, कमीशन की रेट है 10%, तो कमीशन आ गया कितना 11,000। इट इज दैट सो सिंपल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर हैं, जेड को जो है कमीशन मिलना है 10% ऑन द प्रॉफिट।
आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब यहाँ क्लियरली मेंशन है कि जो कमीशन है वो क्या है, आफ्टर चार्जिंग है। और नेट प्रॉफिट दे रखा है कितना, 2,20,000 दे रखा है। तो इस केस में कमीशन ऑफ जेड देखिए 2,20,000 अपॉन 10 रेट अपॉन 100 प्लस रेट, मैंने बताया था ना फॉर्मूला आफ्टर चार्जिंग में रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो यहां पर ही आएगा 10 अपॉन 110 और ये आ जाएगा आंसर आपका 20,000। तो हमने दोनों केस पढ़े, बिफोर चार्जिंग भी पढ़ा और आफ्टर चार्जिंग भी पढ़ा। बिफोर चार्जिंग के लिए आपने देखा था क्वेश्चन में बोला नहीं था, फिर भी हमने बिफोर चार्जिंग माना उसको। आफ्टर चार्जिंग के लिए क्लियरली मेंशन दे रखा था कि नेट कमीशन जो है वो आफ्टर चार्जिंग का है। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें सैलरी भी दे रखी होगी और पार्टनर के कमीशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, जो कि क्वेश्चन नंबर 35 में है। देखिए एक्स वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अकाउंट्स में लैंग्वेज का ही पूरा इस्तेमाल है, मतलब पूरा जो भी हमको ध्यान देना है वो लैंग्वेज पे देना है। लैंग्वेज ही जो होती है वो क्वेश्चन को राउंड राउंड घुमा देती है। तो इसको हमें बिल्कुल क्लियरली कट करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वर्ड्स को क्वेश्चन को नहीं समझते और वो क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं, वहीं उनकी गलती हो जाती है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझे, देखिए क्या लिखा है, एक्स को सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ है ना, और कमीशन मिलना है कितना, 10% ऑन नेट प्रॉफिट। दोनों चीजें क्लियर है, लेकिन जो कमीशन मिल रहा है वो आफ्टर पेमेंट ऑफ सैलरी, और वो भी सैलरी किसकी, पार्टनर की। पार्टनर की सैलरी मतलब जितने पार्टनर को सैलरी मिलेगी वो टोटल सैलरी में डिडक्ट करनी होगी प्रॉफिट में से, इसीलिए वहां क्वेश्चन बोला है आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहां कमीशन का कौन सा वाला केस है, बिफोर वाला है ना, देखिए बिफोर चार्जिंग कमीशन। वही बोल रहा है वाई इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम, पी डॉट ए मींस पर एनम एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। यहां कमीशन भी चार्ज है और पार्टनर सैलरी भी, मतलब ये आफ्टर चार्जिंग वाला केस। देखिए आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, नेट प्रॉफिट दे रखा है 4,20,000 दे रखा है। देखिए पहले हम इसकी डिटेल्स को नोट करेंगे। एक्स को जो सैलरी दे रहा है वो 10,000 पर मंथ दे रखा है, तो 10,000 इंटू 12 कितना हो गया, 1,20,000। वाई का जो सैलरी है वो 25,000 पर एनुअल है, मतलब उसकी टोटल सैलरी 45,000 डिग्री। तो टोटल सैलरी अगर आप देखी जाए तो 1,20,000 प्लस 25,000 होगी 1,45,000। अब हमारे पास टोटल पार्टनर सैलरी आ गई है, हमें क्या करना है, एक्स का कमीशन निकालना है। तो उसने क्या बोला था, आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब नेट प्रॉफिट में से आप सैलरी को डिडक्ट कर दो लेकिन कमीशन जो होगा वो बिफोर चार्जिंग होगा। इसीलिए देखिए यहां पर रेट अपॉन 100 लिख रखा है मैंने। सैलरी जो है वो आपकी, नेट प्रॉफिट जो है वो आपका कितना है, 4,20,000 माइनस सैलरी 1,45,000 इंटू कमीशन 10%, ये हो गया कितना, 2,75,000 इंटू 10 अपॉन 100। तो देखिए ये एक्स कमीशन आ गया 27,500 है ना, हमारे पास एक्स कमीशन आ गया। अब हमें वाई का कमीशन निकालना है। तो देखिए वाई का कमीशन निकालने के लिए हमने क्या करना था, नेट प्रॉफिट माइनस सैलरी प्लस कमीशन, मतलब नेट प्रॉफिट में सैलरी और कमीशन दोनों लेस करना है,
एंड टू रेड वन 100+ रेड 100+ रेड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा था, तो ये आफ्टर चार्जिंग वाला केस है। अब मैं चाहूँ तो डायरेक्ट फिगर उठा सकता हूँ, देखिए यहाँ पर 2,78,000 सैलरी लेस करके फिगर आई हुई है ना, कितनी आई है 2,78,000, उसमें से चाहूँ सीधे डायरेक्ट कर सकता हूँ मैं 2,75,000 माइनस 27,500 इंटू 10/110, तो इसको आप डिडक्ट करिए 2,47,500 इंटू 10/110, इसको हमने सॉल्व किया तो ये 11,2 या 22, 11,5 या 50, ये देखिए वायरल कंडीशन आ गया। देखा आपने कितना ईजी था, सिर्फ हमें लैंग्वेज को डिकोड करना है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ था नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, मैंने डायरेक्ट यहाँ से फिगर उठा ली थी क्योंकि ऑलरेडी जो हमने एक्स कमीशन निकाला था उसमें नेट प्रॉफिट में से हमने सैलरी लेस की थी पार्टनर की, तो हमारे पास जो फिगर आई थी वो आई थी 2,75,000। तो ये हमारा टॉपिक था बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग, इसमें हमने सैलरी भी कवर कर लिया। एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे आज हम, जो कि है इंटरेस्ट ऑन लोन, इससे कि हम जल्दी से जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने आपको कुछ बताया था इसके बारे में, इंटरेस्ट ऑन लोन सीधी बात है कि जब रेट देना रखी हो तो हमें कितना रेट लगाना है, 6% इंटरेस्ट चार्ज करना है लोन में। आपको पहले बता चुका हूँ, जब पार्टनर जो है फर्म को लोन देता है उस कंडीशन में पार्टनर को हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमको ये प्रॉफिट देना ही हमको ये इंटरेस्ट पे करना ही करना है, है ना। तो इंटरेस्ट लोन जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है इसके, और इंटरेस्ट लोन मैं आपको दोबारा बताता हूँ, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के अंदर नहीं आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, दे हैड गिवन अ लोन टू द फर्म ₹30,000 इन देयर पीएसआर, उन्होंने जो लोन दिया है कितना दिया, टोटल 30,000 दिया है उनके पीएसआर में दिया है। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू द फलाना, हाँ ठीक है जी, ठीक। देखिए ए और बी ने, दोनों ने इनको लोन दिया है, इनका रेशियो 3:2 है और उन्होंने अपने रेशियो में लोन दे रखा है, पार्टनरशिप डीड यहाँ पे साइलेंट है। इसका मतलब जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरेस्ट ऑन लोन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रेट गिवन नहीं है, तो फॉर्मूला होता है लोन इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। मंथ अपॉन 12 क्यों लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि जितने मंथ्स के लिए हमने लोन ले रखा है ना, जैसे अक्टूबर में लोन लिया था, अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, 6। टोटल लोन अमाउंट थी 30,000 इंटू रेट दे रखी है 6,000, मंथ भी है 6, है ना, क्योंकि 1 अक्टूबर को लिया था। इसको सॉल्व करते हैं, 6 × 6 = 12, तो कितना हो गया 900, टोटल इंटरेस्ट और लोन तो आ गया 900। अब जिसने जितना दिया था, जैसे फॉर एग्जांपल ए इंटरेस्ट ऑन लोन और बी इंटरेस्ट ऑन लोन, देखिए इन्होंने अपने पीएसआर में दिया था ना, तो जो इंटरेस्ट होगा वो उसको हम पीएसआर में बांट देते हैं 3/5 और 2/5, 5 × 5 = 40, 24 × 4 = 540 और 360। हमने क्या किया, पहले में टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जो कि 900 था, उसके बाद क्योंकि उन्होंने लोन अपने पीएसआर में ले रखा था तो हमने क्या किया, उसको पीएसआर में ही बांट दिया इंटरेस्ट ऑन लोन को, ना इज दैट मच इजी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बैट बॉल दो पार्टनर हैं, रेशियो दे रखा है 2:3, कैपिटल दे रखी है 1 अक्टूबर को उन्होंने लोन दिया है 2,40,000 and 1,20,000 रिस्पेक्टिवली, बट एट अलाउड फ्रॉम यूज प्रॉपर्टी 5,000 रेंट भी है मंथली, लॉस दे रखा है 31 मार्च कितना 9,000,
देखिए लॉस है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो मैं उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखिए दोनों पार्टनर बैट और बॉल दोनों ने दे रखा है, सबसे पहले हम बैट का निकालते हैं, 240,000 इंटू यहां पर कब दिया है लोन, अक्टूबर में लिया है, रेट गिवन नहीं है, तो 6% अपॉन 6/12, और बॉल का है 1,20,000 इंटू 600 इंटू 6/12, बैट को देना है, इतना इंटरेस्ट हमको बॉल को गिवन करना है। और जो रेंट की बात थी, तो रेंट इसमें था 5,000 पर मंथ, पार्टनर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करने के लिए उसको दिया फर्म को, तो फर्म उसको रेंट देगी 5,000 टू 12, कितना रेंट हो गया 60,000, ये टोटल रेंट हमको जो है फर्म जो है वो पार्टनर को देगी, और किसको देगी, बैट को देगी, है ना। चलिए आज के इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।